3, 2, 1, boom. वक्त बहुत रफ्तार से भाग रहा है ये वक्त, और इस रफ्तार से हमसे नहीं भागा जा रहा भैया, सीधी सी बात है। वक्त की कर ले तू कदर, वक्त नहीं आता है वापस, ऐसा मैं नहीं फारिस शफी बोल रहे हैं, सही बोलते हैं हमेशा वो। तो ये वक्त ही तो है जो थम जाएगा, इसी उम्मीद ने हमें थका डाला। शायरी सर जी। तेरी बाहों में जो सुकून था मिला। लड़का अभी से बाहों में सुकून ढूंढने निकल गया, और आप बोल लो वक्त आगे नहीं भाग रहे हैं। हर कोई एक रेस में भाग रहा है, हम भी भाग रहे हैं। जहां कोई रुकने की कोशिश करता है वहां मुझे रुकने नहीं देते, जहां कोई आराम करता है वहां हम उसे आराम करने नहीं देते। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। अबे जाहिलो, एक मसला है तुम लोग के कहानी में, चलो बताता हूँ। देखो भाई, आपने छलांग मूवी देखी है, बॉलीवुड फिल्म है, उसमें बंदा बोलता है टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। आप लोग गिव मी सम सनशाइन को अब्बू बना लिया आप लोगों ने अपना, ये गलत है। उस गाने का मोरल आइडिया सब इंतहाई गुजर चुका है, उस गाने से ये पता चल रहा है कि सब बिगड़ चुका है। गाना वो पास्ट टेंस में चला गया, हम अभी प्रेजेंट टेंस में हैं। आप अभी बच्चे हो, आप कोई 50 साल के बुड्ढे नहीं हो, कैसी बातें कर रहे हो। 50 साल का पचास साल का अगर कोई बंदा देख रहा हो, ऑफेंड ना होना, मैंने इसे एग्जांपल दिए, तो आप कोई मतलब होपफुल गाने से इंस्पायर हो जाए। जैसे वो आजकल आता है बड़ा मजे का, किस्मत चमके छम छम छम, वो साबुन के इश्तेहार का वेरी नाइस सॉन्ग यार, उसमें बड़ा मज़ा आता है सुनने। भाई अब आते हैं मुद्दे की तरफ। आई एम सॉरी, मुझसे सीरियस वीडियो सही से बन नहीं पाती, मुझसे सीरियस बात सही से हो नहीं पाती, तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम बीच में चूसें डालूँ अपनी, हम मुद्दे पे स्टिक रहेंगे। आपको पता है अमेरिका से मेरे एक अदर चाचू आए थे, चाचू एक अदर दिए, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जोकर फिल्म देखी है। वो बोल रहे हैं कि अमेरिका में सबकी ज़िंदगी उस बंदे जैसी है, मतलब साइकोटिक किलर नहीं है सब वहाँ पे, लेकिन जो उससे पहले करेक्टर डेवलपमेंट में जहाँ वो अनहैप्पी है, बुली हो रहा है, ज़िंदगी से थका हुआ है, तो बोल रहे हैं अमेरिका में सबकी ज़िंदगी ऐसी है। वैसे ही मैं फिल्म देख रहा था अभी, टिक टिक बूम, क्योंकि आजकल एंड्रयू गारफील्ड हम सबके खैर, तो उसमें वो चिल्ला के बोलता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, बोलता है नो वन इज हैप्पी इन न्यूयॉर्क। ये मैंने आपको उन लोग के जुमले बताए, चलो ये तो डायलॉग था, लेकिन मेरे चाचू जो रहते हैं वहाँ पे, ये मैंने आपको वो बातें बताई जो लोग खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मीनवाइल हम लोग इधर बैठ के ये सोच रहे होते हैं यार काश अमेरिका चले जाती। मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान काफ़ी शिटी जगह है रहने के लिए, यहाँ पे आपको बेसिक लिविंग भी नहीं मिली, यहाँ वेटर जॉब का आपको सब मिल जाएगा। मैं यहाँ वेटर रह चुका हूँ, मुझे पॉकेट मनी भी नहीं मिली उसमें से पूरी अपनी। प्रैक्टिकली यस, मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, वो बोलते हैं ना मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट आप उसमें अगली पिक्चर में बर्गर खा रहे होते हैं कि पैसों से तो खरीदा है। अबे तो बर्गर में क्या इमोशनल वैल्यू जोड़ी हुई है, भूखो ऐसे नहीं सोचते हर चीज़ को, आप वैल्यू एसोसिएट करो चीज़ों से, राइट। और अगर आप इस रेस में भाग रहे हो भी अपने 20s में 30s में, जिसको हसल पीरियड कहते हैं, जब हसल फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह आप लोग जो भाग रहे हो जिस चीज़ के लिए आपको मिल जाए, बट अभी भागना शुरू हो गए तो 50 साल की उम्र में मिल गए तुम्हें पैसे, तुमने खरीद लिया अपनी सिविक एक्स, तो क्या करोगे उसमें घूम के यार। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पार्किंग लॉट्स में पिक्चर डालते हैं, समझते हैं अबे ये ज़िंदगी ना, ये ब्रांड जो पहना भाई, ये वाला बूट चाहिए, ये वाली जैकेट आ जाए तो ख़त्म, गेम ओवर सब, बट वो एक पिक्चर के लिए तैयार होते हैं, और अब उनको हमें होने देना चाहिए, क्योंकि उससे उनको पैसे भी मिल रहे हैं, उनको ब्रांड ने कपड़े भेजे फ्री में मिले, उनको पहन के उसके पैसे मिल रहे हैं, अच्छी बात है, बट उनसे आप अपना दिमाग को मैनिपुलेट ना करो। एक बात तय हो गई कि पैसों वाले लोग भी इतने कोई खुश नहीं हैं, अगर वो खुश हों तो इवेंचुअली इतने आगे जाके हुए हैं कि उनकी हाँ औलादें खुश हो जाएंगी, ये एक पॉइंट है, अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो आपके आने वाली जो फैमिली नस्लें जो भी होंगी खुश रहेंगी। अल्लाह मैं गान के दे रहा हूँ,
ये मत समझना कि मैं गरीब हूँ इसलिए गायन दे रहा हूँ, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। बड़ा मैं रोता ना कमरा नहीं है यार, मैं सुकून है, मैं अपने सोफ़ा कम बेड पे सो रहा हूँ यार, वो तो अभी आया नया नया, गद्दों पे सो रहा हूँ, मुझे कोई मेरी कमर अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं अगर ज़मीन के गद्दे पे पड़ा हुआ सो रहा हूँ तो मैं इतना यार ये सब ना करो। बॉर्नविटा नहीं दिया तुमने रोहित, शादी मतलब बॉर्नविटा भी नहीं होता। सो द पॉइंट इज, अच्छा मैं वाला गायन भी नहीं दूंगा, टेक अ ब्रेक। मैंने एक लड़की का ट्वीट देखा था, उसमें उसने सॉर्ट ऑफ जब भी मेट के बंदे को कोट कर दिया था कि टेक अ ब्रेक, स्किप योर जॉब, गो टू अ रैंडम वेकेशन, बाय अ प्लेन टिकट, ऐसा भी मत करना, ये भी वही इन्फ्लुएंसर्स वाली बात है, ऐसा आपने नहीं करना क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, जॉब छोड़ दोगे पैसा तुम्हारा बाप देगा क्या? अब नहीं देगा बाप तुम्हारा पैसा। तो मेरा हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है, मैं ये कोई टेट टॉक नहीं है, जैसे सेइंग टेट टॉक बड़ी फालतू होती हैं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा हल्का हाथ, ये जॉब छोड़ के झांस का टिकट पकड़ के रैंडमली कहीं नहीं जाना है, इतना खर्ची नहीं, नॉट गुड, इतनी खुशी, इतना खुश भी नहीं होना चाहिए इंसान को, हमारे इसलिए दुनिया में आए। बट थोड़ा सा हल्का हाथ, माँ बाप को तो अच्छा टाइम देना छोड़ दिया लोगों ने। मैंने कुछ दोस्त इनका रूटीन जानता हूँ, वो या तो यूनिवर्सिटी जाते हैं या तो ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं तो दोस्तों में बैठ जाते हैं, बहुत टाइम हुआ तो इंटरनेट चला लिया, कोई फिल्म देख ली और बस ख़त्म, गेम उनका बस यहाँ तक। अभी मैं बोलता हूँ घर वाले गए तुम्हारे, बोल रहे हैं यार हम वो घर आते हैं फिर दोस्तों में चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो अम्मा सोच रही होती हैं यार अम्मा तेरे इंतज़ार में सो रही हैं, तू वहाँ कुछ कोर्ट लिखा हुआ इस्लामी इसको हम थोड़ा सा यहाँ करते हैं, हाँ अब लानत लो। जस्ट सेइंग, अच्छी फिल्में देखो, अच्छे मतलब सॉरी अल्लाह में जो करना है करो भाई, फिल्में गाने नहीं सुनते अच्छी बात है ना सुनो, बट उन चीज़ों से कम दिल लगाओ जो चीज़ आपको गुजरा हुआ ज़माना याद दिलाएं, हियर मी, वो चीज़ें जो आपको सिर्फ गुजरा हुआ ज़माना दिलाएं। एक चीज़ होती है जो आपको खुशी खुशी गुजरा हुआ ज़माना दिलाती है और आप उसको याद करते हैं खुश होते हैं, विच इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। एक चीज़ होती है जो आपको अफसोस दिलाती है, अबे यार स्कूल के दिन ख़त्म हो गए, ज़िंदगी कितनी आराम दे थी यार, अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, बुज़ुर्ग स्कूल के बाद बुज़ुर्ग डायरेक्ट बुढ़ापा, यूनिवर्सिटी के बाद क्या मतलब ख़त्म, 60-70-80 क्या बोल रहा है यार। हम एक दफ़ा भी यूनिवर्सिटी के पिकनिक पे गए थे, वहाँ पे हम आधे टाइम ना बहुत बोर हो रहे थे, जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की नहीं थी, हम अपने दोस्तों की थी, वहाँ पे आधे लोग ना बड़े बोर हो रहे थे, जिसकी क्योंकि बूमरैंग और पिक्चर अच्छा आए थे ना, वो तो भाई इंस्टाग्राम पे आग लगा दी, कैप्शन लिख दिया बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, पिक्चर अच्छी आएगी तो जाहिर है कैप्शन तो अच्छा डालेंगे ना, ये तो लिखेंगे नहीं क्या घटिया दिन था यार 1500 रुपये ज़ाया हो गए, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग ऑन दी इंटरनेट। कहते हैं भाई अबे तो बहुत घूम रहा है, इसीलिए कहते हैं भाई सब फेक है, ये देख लें आप वीडियो में से हम सीधे से डालेंगे लेकिन असल में हम बड़ा चिल कर रहे हैं और प्रेम का प्याला सब पी रहे हैं, ये सब चल रहा है, फिर वीडियो में ड्रामा करना पड़ता है। ओके डोंट बिलीव एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, मैं फ्लाइंग चुम्मी फेंकने वाला था, अभी शुगर है नहीं फेंकी भाई, बहुत चल गई, अब हम आपसे मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह। पेन चल ही नहीं रहा था, स्क्रिप्ट क्या लिखते, सही है तो कुछ कलोनों भी थोड़ी सी हो गई ना।